हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। आज की बात हमेशा अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मत मांगो, जो दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज, मैं हूं अफशान जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना में कोविड 19 के 6,361 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 4,69,722 हो गई है। रियासत में मजमू अमवात की तादाद बढ़कर 2,527 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 51 अमवात हुई है। कोरोना से होने वाली अमवात से कई खानदान सदमे का शिकार हैं। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में सिर्फ 48 घंटों में एक ही खानदान के 3 अफराद की इस मौजी मर्ज से मौत हो गई। फलक मालमिट नाइट कर्फ्यू के दौरान तलाशी ली गई। ये तलाशी एएस साइनाइडो और उनकी टीम की जानिब से की गई। बिना मास्क और बेवजह बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। हैदराबाद के इलाके पर में कंटेनर ट्रक के छत का हिस्सा बर्की लाइन के रास्ते में आने के बाद आग लगने से 2 अफराद हलाक हो गए। आती जिंदगी से कंटेनर ट्रक में शामिल कुछ कारों को भी नुकसान पहुंचा। ये वाकया चाशुंबे की सुबह उपल के सनाती इलाके में पेश आया। आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमत ने बुध से रियासत भर में कर्फ्यू नाफिज करने का कलीदी फैसला दिया है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने आज कर्फ्यू नाफिज करने से मुतालिक रहनुमा उसूल तय करने के अहकामात जारी किए। अहकामात के मुताबिक कर्फ्यू आज से 18 मई तक जारी रहेगा। दरअसल हुकूमत ने ऐलान किया है कि रियासती सरहदें बुध की दोपहर 12 बजे से जुमेरात की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। श्रीकाकुलम जिले में दूसरी लहर के दौरान कोविड मुस्बित केसेस के बेतहाशा फैलाव के तनाजे में इब्तदाई मरहले में केसों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर बुखार सर्वे शुरू किया गया। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने के बाद टीएमसी की सरबरा ममता बनर्जी ने तीसरी मरतबा मगरबी बंगाल की वजीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। रियासत के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इन्हें हल्फ दिलाया, जिसके बाद ममता बनर्जी एक मरतबा फिर वजीर आला के अहदे पर फायज हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिदास ने आज कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर सेंट्रल बैंक की नजर है, लेकिन इस लहर से मैशियत काफी मुतासिर हुई है। आरबीआई के गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना और उससे मुतालिक सूरत हाल पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी काफी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है। कोरोना वबा के दौरान अवाम तजस्सुस और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नजर आ रहे हैं। एक तरफ सहूलतों का फुकदान और दूसरी जानिब बड़ी कोशिशों और मरीज की जान को हथेली में लिए घूमने फिरने के बाद दवाखाना तो मिलता है, लेकिन बेड, खून और अमले की खिल्लत पाई जाती है और मरीज की जान बचाने की उम्मीदें कम और लोग मरीज के साथ रहने वाले भी बीमार हो रहे हैं। मरीज के गुर्दे निकालने की इत्तलात भी आम हो रही हैं। बाद में हजारों का बिल नहीं बल्कि लाखों का बिल थमाया जा रहा है। हुकूमत और अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ठोस इकदाम करें। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाओं में कोई मुजिर असरात नहीं और कोई ऑपरेशन के जरिए इंसानी आजा की चोरी का इम्कान भी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को इस सस्ते और अच्छे इलाज की तरफ रागिब कराएं। ये बात मलक पेट के डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन ने बताई। फलकनुमा पीएस की जानिब से रात के कर्फ्यू के दौरान पुलिस हरकत में देखी गई। इस दौरान सीआई सैयद अब्दुल खादर जिलानी अपने स्टाफ के साथ साइकिल पर ड्यूटी अंजाम देते देखा गया और गली कूचों में गश्त करते हुए बाहर बैठे नौजवानों पर सख्त कार्रवाई की गई।
जिंदा दिलाने हैदराबाद के नायब सदर एंग्लो इंडियन मुनफरिद शायर जनाब मुस्तफा अली बेग अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उन्होंने तंजो मिजाह की दुनिया में एक नया अंदाज पैदा किया था। इन्हें मुशायरों के लिए अमेरिका, सऊदी, इमारात, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में मधु किया गया। तेलंगाना में कोरोना टेस्ट में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है? लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है? रात के कर्फ्यू के नफाज के बाद अवाम के लिए मजीद इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? हुकूमत से हाईकोर्ट की वजाहत। आज तक के लिए फैक्ट न्यूज में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के साथ। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज